हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब विद एन के। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स रिक्वायरमेंट 2021 के बारे में, जहां पर इंडियन एयरफोर्स के डिपार्टमेंट से 2021 के लिए रैली भर्तियों का आयोजन किया गया है, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए खास बात यह है कि अगर आप लोग केवल और केवल 12वीं पास होंगे तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, आप लोग इस रैली भर्ती में भाग ले पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी केवल और केवल 12वीं पास कर रखा है और आप भी बेरोजगार हैं, आप भी 2021 में एक अच्छे सी पोस्ट पर सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स के डिपार्टमेंट से 2021 के लिए रैली भर्तियों का आयोजन किया गया है, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलिएगा, ताकि सरकारी वैकेंसी से संबंधित सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, कोई भी अपडेट आपसे मिस नो पाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप लोग केवल और केवल 12वीं पास होंगे तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ में इस वैकेंसी के लिए महिला एवं पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के करियर अप्लाई कर पाएंगे। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते होंगे, इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एयरफोर्स एयरमैन ग्रुप बाई रैली रिक्वायरमेंट 2021 के बारे में, जहां पर इंडियन एयरफोर्स के डिपार्टमेंट से एयरमैन ग्रुप बाई के पदों पर रैली भर्तियों का आयोजन किया गया है, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए खास बात यह है कि अगर आप लोग केवल और केवल 12वीं पास होंगे तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने भी केवल और केवल 12वीं पास कर रखा है और आप भी बेरोजगार हैं, आप भी 2021 में एक अच्छी सी पोस्ट पर सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स के डिपार्टमेंट से एयरमैन ग्रुप बाई के पदों पर रैली भर्तियों का आयोजन किया गया है, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इस रैली भर्ती में भाग लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोग किस राज्य से हैं, वह किस जिले से हैं, ताकि हम आपके राज्य व जिले से संबंधित सभी वैकेंसियों की जानकारी आपको सबसे पहले दे पाएं, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना पाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस वैकेंसी के लिए क्या एज लिमिट रहेगी, क्या योग्यता रहेगी, साथ में यहाँ पर आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कैसे करना है, साथ में यहाँ पर आपका इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी क्या मिलने वाली है, सारी की सारी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए ऑनरेशन नेम के बारे में। तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के डिपार्टमेंट से एयरमैन के पदों पर भर्ती होने जारी है, जहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए पोस्ट नेम के बारे में। तो यहाँ पर ग्रुप बाई के पदों पर भर्ती होगी, जिसके लिए बात करते हैं अप्लाई मोड के बारे में, तो ऑफलाइन कर रहेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो आपको इसका ऑफलाइन आवेदन करना होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका ऑफलाइन आवेदन करने का वीडियो बनाऊं, तो मैंने पर 100 लाइक का टारगेट रखा है, अगर आप लोग ये पूरा करते हैं तो मैं इसका ऑफलाइन आवेदन करने का वीडियो बना दूंगा। बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए जॉब लोकेशन के बारे में। तो यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया का रहने वाला है। बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए हु कैन अप्लाई, तो यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए ऑल ओवर इंडिया के फिर अप्लाई कर पाएंगे। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते होंगे, इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ में इस वैकेंसी के लिए महिला एवं पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए अप्लीकेशन फीस के बारे में। तो यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये, बाकी की सभी कैटेगरी के लिए अप्लीकेशन फीस बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए आपके यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप लोग केवल और केवल 12वीं पास होंगे तो आप लोग
इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। और फ्रेंड्स पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए पे स्केल के बारे में, तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी मिलने वाली है 14,600 रुपए पर मंथ की, वहीं आपको बाद में सैलरी दी जाएगी 26,900 रुपए पर मंथ की। और फ्रेंड्स पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, साथ में मेडिकल एग्जाम, साथ में फिजिकल फिटनेस टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें आपको 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करने की, वहीं आपको 10 पुशअप 10 सिटअप साथ में 20 स्क्वाट भी लगाने होंगे। बात करते हैं पर आपके इस वैकेंसी के लिए वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो यहाँ पर ये सभी राज्यों के लिए वैकेंसी आई है। आप चाहे भारत के किसी राज्य में रहते होंगे इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ में इस वैकेंसी के लिए महिला एवं पुरुष दोनों आवेदन कर पाएंगे। और फ्रेंड्स पर बात करते हैं अगर आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहेंगे, तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, साथ में एजुकेशन सर्टिफिकेट, साथ में पासपोर्ट साइज का फोटो, सिग्नेचर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, साथ में कास्ट सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहेंगे। और फ्रेंड्स पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए इंपोर्टेंट डेट के बारे में, तो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट अप्लाई कर ले कि ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, वहीं लास्ट अप्लाई करने की, आपको एज सुन एज पॉसिबल जल्द से जल्द आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने होगा। शो फ्रेंड्स काफी वैकेंसी है, मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग केवल और केवल 12वीं पास हैं और आप भी 2021 में एक अच्छी सी पोस्ट पर सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए जरूर अप्लाई कर लें, जिसका अप्लाई करने का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, जहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।